हेलो यूट्यूब, आज हम काउंट डिजिट का प्रोग्राम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो इसके लिए सबसे पहले यूजर को मैसेज देते हैं इंटर एनी नंबर, मैसेज दे दिया। इनपुट टाइप देते हैं, नंबर, कैलकुलेशन होगा इसलिए नंबर देंगे, और आईडी दे देते हैं। इनपुट टाइप दे देते हैं सबमिट, ऑन क्लिक फंक्शन देते हैं काउंट। अब स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे, टाइप देते हैं टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। यहाँ फंक्शन क्रिएट करेंगे काउंट, तो फंक्शन काउंट जो यूजर इनपुट कर रहा है उसको डिफाइन करेंगे। तो फॉर एक्स इक्वल टू क्या है, नंबर होगा, कहाँ से आएगा तो नंबर, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी ए हो जाएगा, डॉट वैल्यू, ए डॉट ए का जो आईडी, ए का जो वैल्यू होगा वही नंबर होगा। फिर हम वेरिएबल ले लेते हैं एक टेम्प, टेम्प्रोरी, ताकि अगर नंबर को प्रिंट करने के लिए काम आएगा। अगर मेन नंबर पे हम यूज करते हैं तो नंबर प्रिंट नहीं कर सकते, इसलिए टेम्प्रोरी वेरिएबल लिए। फिर एक सी इक्वल टू जीरो दे देते हैं। टेम्प्रोरी वेरिएबल में हम एक्स को कॉपी कर देते हैं, वाइल कंडीशन लगाते हैं, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक नहीं होता तब तक ये लूप चलेगा। सी का वैल्यू सी इक्वल टू सी प्लस वन, जैसे जैसे लूप चलेगा एक एक करके प्लस होगा। टेम्प इक्वल टू हो जाएगा परसेंट इंट, टेम्प डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ हम अलर्ट या कंसोल करके इसका रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कंसोल डॉट लॉग एक्स टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन एक्स इज प्लस में सी का वैल्यू दे देंगे। तो सेव करते हैं, यहाँ से ओपन करेंगे। अब यूट्यूब वीडियो आ गया, तो कंसोल ओपन कर लेते पहले। ये रहा कंसोल। अब यहाँ हम नंबर देते 156, अगर देते 3 डिजिट यानी टोटल नंबर 3 आ गया। यहाँ हम अगर 4 बढ़ा, एक और बढ़ाते हैं 6, टोटल नंबर 4 हो गया। एक और बढ़ाते हैं, अगर 002 बढ़ा दिए तो 5 हो गया। फिर एक 1 देते हैं तो 6 हो गया। तो इस तरह आप काउंट डिजिट का प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं। तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, तो समझने के लिए इसको हम उठाते हैं, नोट पैड ओपन करेंगे। तो नोट पैड और इस प्रोग्राम को पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही यूजर इनपुट करेगा तो टेम्प में क्या हो जाएगा, अगर 3 डिजिट देते हैं तो 156 आ जाएगा। जैसे ही लूप ओपन होगा तो सी का वैल्यू क्या है, पहले से 0 है, और प्लस 1 करके होगा तो इक्वल टू हो जाएगा 1। परसेंट इन टेम्प में हो जाएगा, अगर 3 डिजिट देते 156 तो 156 यानी 10 से जैसे ही डिवाइड होगा 5 बच जाएगा। यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि पहले 156 था अब 15 हो जाएगा, 15 अभी 0 नहीं है इसलिए यहाँ फिर से 10, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1, तो यहाँ 10 से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा। तो फिर यहाँ 1 आएगा, 1 अभी भी 0 नहीं है तो यहाँ फिर इक्वल टू 2 प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू आएगा 3 आ गया। अब फिर यहाँ पे 10 से जैसे ही डिवाइड होगा तो ये 0 आएगा, जैसे ही 0 आएगा तो 0 लूप बंद हो जाएगा, लूप बंद हो जाएगा तो ये क्या है 3 को प्रिंट कर देगा। इस तरह हम आसानी से काउंट डिजिट का प्रोग्राम सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन किसी में भी बना सकते हैं। थैंक फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब में जाएँ, शेयर वीडियो।